राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर शनिवार की सुबह शहर के गणेशपेट बस स्टैंड पर आंदोलन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एसटी कर्मचारियों को समर्थन देते हुए उनके साथ आंदोलन में नजर आए। एमएसआरटीसी देश में सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन निगमों में से एक है, जिसके पास 16,000 से अधिक बसों का बेड़ा है और करीब 93,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। इन कर्मचारियों में चालक और परिचालक शामिल है। बीते कई दिनों से एसटी कर्मचारी वेतन में महंगाई भत्ता शामिल करने समेत अपनी कई मांगे कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए एसटी कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका कहना था कि सरकार की इस अनदेखी के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहीं कुछ कर्मचारियों ने इस चीज से परेशान होकर आत्महत्या भी की है। आमचं आता चार पांच दिवसाच्या पहिले आमच्या कृती समितीनं एसटी महामंडळातल्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन याचा उपोषण केलं। त्या उपोषणामध्ये आमच्या मागण्या बिलकुल आमच्या मनाप्रमाणे झालेल्या नाही। एवढूसा तुकडा आम्हाला पोटात घातला आणि त्यामुळे आमच्या कर्मचाऱ्यांचा त्यामध्ये संतोष झाला नाही, असंतोष निर्माण झाला। त्यामुळे आम्ही आता आमच्या एसटी महामंडळामध्ये विलीनीकरणाची मागणी करत आहो आणि या आमच्या एसटी महामंडळामध्ये 25 वर्षापासून जी आमचं नेतृत्व करणारी संघटना आहे त्या संघटनेनं आम्हाला इतर डिपार्टमेंटच्या तुलनेमध्ये 10 ते 15 वर्षे मागे ढकललं। आज आमचे 30 कामगारांनी आमच्या चालकवाहकांनी आत्महत्या केलेली आहे आणि आम्हाला आता विलीनीकरणाचा लढा हा मी उभा केला आहे। आम्हाला सस्पेंड करो, डिसमिस करो तरी आम्हाला चालेल, कारण का या महामंडळामधले आमच्या कामगाराला कटपीट करून हातामध्ये 8,000 10,000 11,000 12,000 एवढाच पगार येतो। इस दौरान यहां मौजूद महिला कर्मचारियों का कहना था कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनकी ओर से सामूहिक आत्महत्या की जाएगी। आता जे महामंडळाने परिपत्र काढलेलं आहे की तुम्ही जर संपत्नी सहभागी झाले तर तुम्हाला बळतर्फ करण्यात येईल, जर असा काही त्यांनी बंड उगारला असेल तर नागपूर डिव्हिजनमधून जरी कुणाला एकालाही जरी बळतर्फ केला तर अख्ख्या डिव्हिजनच्या लेडीज इथे एकाच ठिकाणी फाशी घेतील, कारण आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढत आहे आणि हक्कासाठी लढत असताना सामूहिक फाशी घेण्यात येईल। हा 19 तारखेला आमची कृती समितीची बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये त्यांनी मागण्या केल्या पण आमच्या कामगारांना तेवढ्या काही मागण्या त्या जमल्या नाही आणि त्यांना ते मान्य हां ते मान्य नाही आहेत आमच्या त्या मागण्या। तर त्याच्यामुळे बरेचसे असे आमचे कामगार आहेत, ज्या दिवशी 19 तारखेला त्यांची बैठक झाली संयुक्त कृती समितीची, त्याच्यानंतर त्याच रात्री एका कामगारांनी फाशी घेतली, याच्यावरून कामगारांना त्या मागण्या मान्य नाही आहे। आणि जे आम्हाला 12% भेटले होते महागाई भत्ता त्याच्यामध्ये कोणता ॲड केल्याने 16%, आणि जे रावते साहेबांनी आम्हाला तात्पुरती पगार वाढ दिली आहे 48 हप्त्याची, 40 हप्ते तर आमचे तसे निघाले आणि राहिले 8 हप्ते, 8 हप्ते जर समजा आमचे गेले तर आम्हाला परत आमच्या पगारामध्ये रिव्हर्समध्ये येऊन जाईल ना, मग सरकारने आम्हाला दिलं काय। एसटी कर्मचारियों द्वारा किए गए इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग मिला। इस अवसर पर बात करते हुए विधायक गिरीश व्यास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चीज का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम एसटी कर्मचारियों को पूरा सहयोग करेंगे और उनके साथ सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। देखिए ऐसा है कि गत अनेक वर्षों से जो एसटी महामंडल में जो यूनियनें काम कर रही है, विशेषतः इंटक की यूनियन हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हो या शिवसेना प्रणित यूनियन हो, इन लोगों ने कर्मचारियों को हमेशा धत्ता बताया। मुझे स्मरण है पिछले जो परिवहन मंत्री थे माननीय रावते साहब, उन रावते साहब ने भी आंदोलन करने वाले भारतीय मजदूर संघ के यूनियन के कर्मचारियों पर भी अलग अलग आरोपों में गुनाह दाखिल किया, FIR की, और इस प्रकार से एक दबावकारी षड्यंत्र इनका आज तक चला है। केवल अपनी पार्टी की यूनियन को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना ने किया है, और आज जब इनके नेता ये सारे सरकार के साथ मैनेज हो गए, वो कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो एक बड़ा तबका कर्मचारियों को बाहर निकला है। उच्च न्यायालय औरंगाबाद ने भी उनके खिलाफ एक निर्णय दिया है कि इनको काम से कम कर दिया जाए। हमारा निवेदन है हम इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि COVID-19 महामारी शुरू होने के बाद से MSRT वित्तीय संकट से जूझ रही है और उसका परिचालन भी प्रभावित हुआ है।
कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।